वाओ ये वो ना इंडिपेंडेंस है ना, इसलिए लाइटिंग ऐसी है। हाँ ट्रेन गाइस, अभी हम जस्ट यहाँ जोधपुर पहुंचे हैं और यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है गाइस, और बहुत ठंडी भी लग रही है, और ठंड बहुत है, तो अभी हम गाड़ी के पास जा रहे हैं। तो फाइनली हम आए हैं स्टेशन से यहाँ पे होटल में, और बहुत मुश्किल से होटल मिला क्योंकि हम पहले पापा के ऑफिस के रूम में रुकने वाले थे, होटल में रुकने वाले थे, बट हमको उसके रूम्स ना कुछ खास पसंद नहीं आए। तो हमने बहुत सारे देखे होटल्स, मतलब 3-4 आराम से देख ही ली होंगी, क्योंकि ना किसी में शादियाँ चल रही हैं तो वो बुक हो रखा है पूरा, और बहुत मुश्किल से मिला, तो अब फाइनली मिला है ये वाला। तो अभी हम फाइनली आए हैं और सब यहाँ पे फ्रेश हो रहे हैं, और मैंने दिखा दी पीछे कोई चेंज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सो गाइज, हम सुबह जाएंगे समथिंग लाइक 9 या 10 बजे समथिंग, हमने टैक्सी करी है, तो हम सुबह वो जब भी अंकल आएंगे तो सुबह हम रेडी होके जाएंगे। तो अभी हम फिलहाल खाना खा रहे हैं और फिर सोएंगे, काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, तो मिलते हैं सुबह। और गाइस, हम सुबह लाइक रात को हम लोग वेलकम नहीं कर पाए थे, हमने सोचा कि हम सुबह करेंगे, रात को तो बहुत थक गए थे हम लोग। बहुत ज़्यादा चल रही है, हमको लगा था यहाँ पे धूप होगी थोड़ा, ठीक है अच्छे से हो पाएगा, जैकेट नहीं पहननी पड़ेगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। धूप तो है बट हवा चल रही है, तो थोड़ी बहुत ठंड लग रही है। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर, तो अब हम आपको अंदर एक्सप्लोर करवाते हैं, चलो। हवा चल रही है, ओ माय गॉड, अरे बाप रे, बहुत ज्यादा हवा चल रही है। क्या हुआ, सिटिंग एरिया कितना प्यारा लग रहा है ना, दिखाते हो। मैं क्या करूँ, नहीं तो कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक हो गई। सही बात है, अरे कितना क्यूट क्यूट, ठंडी हो रही है, पता नहीं हमारी किस्मत में ठंडी क्या लिखी ज्यादातर फोर्ट में जाते हैं तो मोस्टली गर्मी ही लगती है, मैंने भी यही एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, क्या हो, क्या गया है, अब वो उठा लेते वहां से बैग से, कार में हमारा बैग रह गया है, तो कुछ ना कुछ अब जरूरत पड़ी जा रही है तो अब ला नहीं सकते क्योंकि वो नीचे पार्किंग में चली गई। यहाँ से बहुत प्यारा लगा।
वेलकम टू जोधपुर सिटी गाइस। बंदर भी है राजस्थान है, ऐसे थोड़ी स्ट्राइक। राजस्थान में बंदर नहीं वास हो सकता है क्या? ये ब्लू सिटी, ये ब्लू सिटी है, ब्लू ब्लू हो रहा है। ब्लू सिटी जोधपुर इज कॉल्ड ब्लू सिटी, जयपुर इज कॉल्ड पिंक सिटी। बंदर से भी मिल दो, इसलिए मतलब मेरा आउटफिट लड़की है, जोधपुर लड़का है। वाह कुछ भी यार, कुछ भी मतलब बस बोलना। तुम्हारे तो ब्लू सिटी ब्लू पहन के आई है। हाँ इसलिए मैं ब्लू पहन के आई हूँ। ऐसे भी हाँ बोल बोल बोल, ऐसे भी लोग यूट्यूब पे फोटोज लगा देते हैं। अच्छा इसको मैंने ना ऐसे बोला, मैंने इन लोगों को बोला, इसे इससे ऐसे बोला दीदी ने कि यहाँ पे फोटो खींचने की बहुत अच्छी अच्छी जगह है, ठीक है, तो इनके पास तो अच्छा फोटोग्राफर है ना, मेरे पास तो नहीं है ना। एक दो फोटो ज्यादा खींचने के लिए बोल देते हो तो बोलता है ऐसे खींच चुकी है, ऐसे अभी देखा था ना, ऐसा ही होता है। चलो गाइस आगे क्या करते हैं। क्या बोल रही है, बकवास कर रहे हो? भाई कितनी चढ़ाई है, ये कुछ ज्यादा ही ऊंचा है नहीं? देखो चल रहा है, देखो पापा की लिस्ट बता ना। देखो गाइस सबकी लिस्ट है, पहला नंबर ये आया मेरा का टूर का गया यार, ये कितना प्यारा लग रहा है। सेल्फी सुंदर। मेरी फोटो खींच दो यहाँ पे। ओए ये क्या है, स्ट्रगल इज रियल, उसको क्यों छुपा दे? क्या फोटो खींचनी है? खाना बनता था इधर नहीं, इस वाली पे उल्टी पे दोनों की। हाँ ये फ्रंट एंड बैक ये लो। म्यूजियम भी जाएंगे पर पहले मंदिरों के आएंगे, थोड़ा फोर्ट घूमेंगे, देन म्यूजियम जाएंगे। बस बहुत शांति सी है यहाँ पे। आगे पहले तो थी सब, म्यूजियम जा रहे हैं। हाँ अच्छा है यहाँ पे। काफी फैला हुआ इलाका है, फोर्ट है तो बड़े बड़े तो होंगे ही। ये सबसे बड़ा कहलाता है ना? हाँ आई थिंक राजस्थान में सबसे बड़ा फोर्ट है। गाइस हम जितना कवर कर सकते हैं हम कवर कर रहे हैं आप लोगों के लिए। कैसा लग रहा है डैडी? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत लंबा थोड़ा किला है जोधपुर का। ग्रीन से मैच कर रहा है, जोधपुर ग्रीन सिटी नहीं ब्लू सिटी। क्या पापा यहाँ के घर भी ब्लू होते हैं क्योंकि ऐसा कुछ है कि क्या मच्छर से बचाने के लिए ऐसा कुछ है इनका बैक्टीरिया से, मतलब इनका कहना है कि ब्लू घर को ब्लू रखेंगे तो साफ रहेंगे, ऐसा कुछ होता है क्या? पता नहीं गाइस, अगर हमें तो नहीं पता बट अगर आपको कुछ पता हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। हाँ। हमें तो ज्यादा नॉलेज है नहीं, जोधपुर क्या है वो तो बता ही सकते हैं। हाँ पर अभी कितना प्यारा लगता है यार ऊपर से देखने में, अभी हमने देखा था, हमने प्रॉपर तो नहीं देखा, हमने देखा था कितना प्यारा लग रहा था ब्लू ब्लू, मतलब लोगों ने एक हमने घर देखा वो बहुत छोटा सा था, कल देखा था ना अपन ने जब होटल। हाँ तो वो
इतना छोटा सा था और इसको कलर कर तो कलरफुल कर रहा है क्या तो आ जाओ दीदी को उड़ाते शट अप सीधा तो कितनी सारी है वाओ क्या व्यू है ब्रो सी द व्यू गाइस रास्ता छोटा है तो बहुत ज्यादा भीड़ होगी तो सेफ्टी नहीं रहती वुमेन्स सही बात है बंदर में 216 आदमी खत्म हुए एट ए टाइम अरे बाप रे 216 ऑन द स्पॉट खत्म हो गए इसी गैप में छोटा सा गैप है ना छोटे से गैप क्या है सवेरे का टाइम था 4 बजे का एक के ऊपर ऐसे डंपिंग हो गया अच्छा अच्छा 2008 के अंदर अभी भी चल रहा है वो चोपड़ा आयो अच्छा चलो कोई ना यार सेफ्टी वाइज डिसेबल लोग और बच्चे ही जा सकते हैं वो भी गर्ल्स ओनली और बॉयज का अलग है बिकॉज ऑफ द हाँ बिकॉज ऑफ द सेफ्टी मेजरमेंट्स जो कि जरूरी भी है गाइस ऐसा नहीं है कि हम नहीं जा सकते थे बट हम इधर आ चुके थे तो पापा को उधर भेजा और हम चामुंडा माता का मंदिर है बहुत फेमस मैं देखा ब्लू सिटी देखो कबूतर यहाँ जोधपुर के और क्या जोधपुर में रहता है और एक तोता भी है तोता तो हमारे घर रोज आता है ये जोधपुर का है उड़ गया तेरी आवाज अच्छी नहीं लगी क्या करे हमें भी नहीं लगती बट क्या कर सकते अरे यार कोई बात नहीं तो रुमाल रख लो हाँ यार कितना बढ़िया लगता है ना ऐसे येल्लो येल्लो सा हो जाता है हाय कबूतर उड़ जा आगे पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को अरे बात तो पनीर उतारने लोगों ने नीचे उतारा था हाँ चलो नीचे उतारो मान दे देखो इसका वहां से कोई नाता नहीं है देखो क्या हो गया सुंदर मंदिर का इस गाइस जोधपुर का ताजमहल पता नहीं क्या है ये ताजमहल सा लग रहा है अच्छा अच्छा हां कांड होता है हां हां सुना होगा नहीं सुना 216 आदमी एक पे ऑन द स्पॉट खत्म हो गए किस चक्कर में हुए तो भीड़ में बागजड़ मच गई थी नवरात्र में जब गए सुबह 4 बजे आते थे नवरात्र में माता के दर्शन करने के लिए तो उस समय क्या है सब चक्कर में रहता है कि जल्दी कौन करे पहले कौन करे जब 20,000 लोग हैं पीछे से ये यहाँ से पूरा फुल अप है तो धक्का लगा कहने का मतलब इसके अंदर गैप में होंगे 5-6,000 आदमी तो अंधेरा था उस गैप के अंदर एक के ऊपर ऐसे करके दब गए मर गए सांस ही नहीं आया तो नीचे हुआ था यहाँ हुआ था इसमें अच्छा जो गैप है ना वो पतला सा बहुत ज्यादा है तो भी समस्या है अब हम जा रहे हैं म्यूजियम
मंदिर में तो बहुत अच्छे दर्शन हो गए हमारे, करणी माता का मंदिर था वो। अब यहाँ पे अंदर म्यूजियम है तो अभी हम देखने हाँ यहाँ पे पर पर्सन आई थिंक 200 रुपीज़ है टिकट देखने के लिए। वाओ व्हाट अ डिज़ाइन और स्ट्रक्चर आई कैन से। इधर है म्यूजियम, चलो देखते हैं अंदर क्या है। दिस इज हाथी होदा, वेरियस टाइप्स ऑफ एलिफेंट होदा। हाथी के ऊपर रखने का जिसमें बैठते हैं एलिफेंट होदा। अबे पागल है क्या, होदा तो इंग्लिश में होगा ना अच्छे नहीं है ना, होदा ही लिखा था। पालकी लिखा हुआ है क्या? अच्छा पालकी, ओके पालकी खाना। पालकी पे होके सवार, वाओ वेरी नाइस। द ब्यूटीफुल प्लेस, ये पूरा म्यूजियम ही है गाइस। अलग अलग कहीं पालकी है, कहीं क्या अलग अलग है, मतलब म्यूजियम ही है पूरा। ये है दौलत खाना, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा। सी लेट्स गेट इनसाइड एंड सी व्हाट इज द म्यूजियम। ओ माय गॉड, अच्छा यहाँ से करते हैं। व्हाट इज दिस तोरण एंड मोर, इतनी बड़ी तोरण है ये, इतनी बड़ी। हाँ व्हाट इज इट, तलवार क्या है, शील्ड, हेलमेट, अंकुश, बंदूक और कतार। अच्छा मारवाड़ के सिक्के, शीश महल, दिस इज फूल महल, दिस इज दिस इज शीश महल। दिस इज कॉल्ड फूल फूल महल, यस मीटिंग हॉल। गाइस इसके हाथ दुख चुके हैं, कितना सुंदर है बस इतना साइन ऊपर बंद कर रखा है। यहाँ से हम आए हैं, ये तेरी फोटो खींचू ऐसे करना एक बार, तो ये भी सुंदर ही लग रहा है। इधर देखो यहाँ से दिखेगा शहर, जोधपुर सिटी। रील बनाने के लिए सब
वो गई बार क्या है यहाँ पे ठिकाना भाई इसी में दिख रहा है चेस खेल रहा है इसी में दिख रहा है देखो हाँ चेस खेल रहे हैं हाँ इसी में दिख रहा है ऐसे तो दिख ही नहीं रहा अरे बिल्कुल नहीं रहा हाँ मैं खेल रही हूँ अरे चेस है क्या चलो चलो वाव ब्लू देखो ना ब्लू ब्लू घर देखो वहाँ पे ना रोप वे नहीं बोलेंगे उसको वो स्लाइडिंग वाला होता है ना वो राइड है वहाँ पे मेरे पापा को बोला कि लेके चलोगे क्या बट एज यूजुअल मना हो गया इस वाली चीज बैठक ही लग रही है मोती महल वाओ ये खिड़कियां हाँ यहाँ पे लिखा है ना फोर्ट टूर कंटिन्यू यार ये कितना मस्त लग रहा है मतलब आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है हाँ बट ये बहुत बड़ा है गाइस आपको उसको घूमने के लिए बहुत टाइम चाहिए हमारे पापा तो परेशान हो गए भाई एक फोर्ट से ज्यादा फोटो खिंचवाती हूँ तो बोलते कितनी फोटो खींचोगे म्यूजियम शॉप लिखा हुआ इसी में हमारी स्टोरेज फुल हो जाएगी मेरे को लग रहा है इतनी स्टोरी जगह तुम्हारे फोन में बस ये तो वॉशरूम गए थे ना हेलो वाओ बैग हेलो गाइस फाइनली हम लोग पूरा घूम लिए बहुत ज़्यादा बड़ा था हाँ। और हम पार्किंग में जा रहे हैं अब और ये वाला व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आपको दो पार्ट में लेंगे हाँ इसमें फर्स्ट में हम ओनली मेहरानगढ़ फोर्ट ही आपको दिखाएंगे आपको दिखा दिया हाँ वही दिखा दिया है और सेकंड के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा तो फिर आगे और व्लॉगिंग करेंगे यस तो मिलते सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय 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 गाइस Subscribe now and press the bell icon.